नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल गुरुजी, सॉरी कैरेक्टर भूल गया था अपना। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको मेरे बाल पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, नहीं आ रहे तो भी लाइक कीजिए। किसी पर्सनल रीज़न के कारण मेरे को बाल कटाने पड़े, ठीक है, तो एक लाइक तो ठोक देना ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस बना रहा है मेरे बालों के लिए, ठीक है। ओके, नहीं पसंद आ रहे तो डबल लाइक करना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे थे, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन लिखिए, देर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर्स। देर इज अ रैंप ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इन इट। ये वर्ड्स मार्क कर लेना, अराउंड इन इट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रैंप। ओके, हमारे पास एक मैदान है जिसका रेडियस है, इट इज गिवन योर 35 मीटर्स। ओके, अगर हम बोले कि देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, फुटपाथ है, तो बोलेंगे अराउंड वर्ड यूज करेंगे। लेकिन इसे कंफ्यूज कर दिया, अराउंड तो बोला है लेकिन इन वर्ड यूज कर दिया। तो अराउंड इन इट का मतलब हो गया अंदर की साइड इसके एक फुटपाथ है, इसके अंदर की साइड क्या है, एक फुटपाथ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है। तो अब अंदर वाला रेडियस जो है, ये वाला रेडियस, ये कितना हो जाएगा, 35 में से 7 घटा दो, 28 सेंटीमीटर। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है। यहां पर हम यूज करेंगे एक्सटर्नल रेडियस। इसको हमेशा कैपिटल आर से शो करते हैं, ये है अपना 35 मीटर। फिर आता है इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, इसको हम 28 मीटर से शो करेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ना, इसका एरिया निकालना है अपन को, ठीक है। इसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस आर आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये उसी से बनता है, पाई आर प्लस आर आर माइनस आर। सो 22/7, 35 + 28, 35 - 28, तो हमारे पास आ जाएगा 22/7, 35 + 28 करो बच्चों, इट इज योर 33 1 4 4 into 6 63 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कट गया, 63 को 22 से करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 26 1 26 6 8 3 1 3 8 6 मीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। बहुत ही इजी सवाल है, इसका फिगर बनाना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं होगा, समझ में आ गई बात। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 यही है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए मत, बस सुन लीजिए या फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द एरिया बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो, ये मैंने बनाया था ना, एक ही सेंटर से दो सर्कल बन जाते हैं, तो उसका एरिया का फॉर्मूला पूछा है, पाई आर प्लस आर आर माइनस आर। अगला सवाल है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में द रेडियाई, रेडियाई का मतलब होता है दो रेडियस की बात हो रही, तो रेडियाई RADII, ठीक है, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द एरिया बाउंडेड द टू सर्कल्स विल बी, वही बात है, कैपिटल आर है 4 सेंटीमीटर,
स्मॉल आर है 3 सेंटीमीटर, एरिया पाई आर प्लस आर आर माइनस आर 22/7, 4 + 3 4 - 3 22/7 इंटू 7 इंटू 1 7 कट गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स, सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हम थोड़ा बोर्ड को ढंग से क्लीन कर लेते हैं। अब है ना, थोड़ा सा बच्चों कंसेप्ट है ना, समझने वाली बात है। क्वेश्चंस पे तो हम आएंगे, उससे पहले कंसेप्ट समझेंगे बहुत ज़्यादा। वॉच केयरफुली, सूख जान दो। आईपीएल देख रहे हो क्या? अरे यार तुमसे बातें करनी है। मैं ग्रुप में अपडेट करना भूल गया, मेरे को टाइम भेजना है तुम्हें। कल तुम्हारी वो है क्लास, ठीक है? वो कौन सी, जो गूगल मीट पे होती है ना, पक्का 100% तुम्हारी क्लास है गूगल मीट पे, ठीक है? करते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 70% चांसेस है इस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन अब आएगा, मतलब अब वाले पार्ट से आएगा। 30% चांसेस पिछले वाले पार्ट से। 3 एक्सरसाइज है, आखिरी की 2 के चांसेस 70%, शुरू की 1 एक्सरसाइज के चांसेस 30%। कुल मिलाकर तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट की 2 एक जैसी है, सेक्टर पे ही आधारित है पूरी। तो सेक्टर पहले समझ लो क्या होता है। सपोज हमारे पास एक पिज्जा या फिर एक केक है, ये पिज्जा का सेंटर है। आप जब स्लाइस काटते हो पिज्जा या केक किसी की भी, तो ऐसे ही काटते हो कि नहीं काटते? सो दिस पार्ट इज नोन एज सेक्टर। समझ गए बच्चों? ये पार्ट क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, इसको कहते हैं अपन थीटा। बोलोगे सर ये थीटा वीटा क्या आ रहा है? मतलब यहां पर मैं जगह छोड़ दूं, कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई सा भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी एंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसको थीटा नाम दे दिया, बस नाम दिया है। और यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस हो गई, सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी रेडियस कहलाती है, ठीक है? तो इस सेक्टर में इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये होता है मेजर सेक्टर। बचा हुआ केक क्या हो जाता है? मेजर सेक्टर हो जाता है बचा हुआ केक, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल लो या फिर सेक्टर बोल लो, जब भी किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए ना आपसे, तो कभी भी मेजर का मत निकालना, माइनर का ही निकालना। तब भी जब तक मेजर वर्ड यूज नहीं किया होगा ना, या फिर बोला नहीं गया हो क्वेश्चन में स्पेशली, तब तक माइनर सेक्टर का एरिया ही निकलेगा, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर बोल लो इसको, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए? मतलब आप इतना एरिया निकाल रहे हो, ये एरिया निकाल रहे हो इस केक के पीस का, फिर इस पिज्जा के पीस का एरिया निकालोगे। सो दिस इज नोन एज एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों? एक्चुअली देखो, पूरे सर्कल के चारों तरफ अगर मैं एक धागा बांध दूं, तो उस धागे की लंबाई क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की बॉर्डर की लंबाई को अपन सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन
एक सेक्टर की बॉर्डर की लंबाई, मतलब सिर्फ फेसेस की, ये जो आर्क बन रहा है ना इतना सा, इसकी लंबाई इस, या फिर कह लो इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, उसे कहते हैं 3θ/360 × 2πr। तो अगर इसका फॉर्मूला याद रखना है तो बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, 3θ/360 दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो कैसे समझाओगे, तो क्वेश्चन की बात ऐसे है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए एक फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिव, अभी बताऊं तो ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी क्वेश्चन में बोला जाता है बेटा लेंथ ऑफ, सॉरी फिर से सुनना, किसी क्वेश्चन में बोला जाता है एरिया निकालो सेक्टर का, तो आप एरिया निकाल दोगे। किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो आप लेंथ ऑफ द आर्क निकाल दोगे इस फॉर्मूले से। किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि दोनों के दोनों निकालो, तो पहले तो आप क्या निकाल दोगे, एरिया ऑफ, सॉरी सॉरी, पहले तो आप निकाल दोगे लेंथ ऑफ द आर्क, पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालोगे, ध्यान रखना। फिर एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल आर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारे पास एल हो। अब बोलोगे सर एल क्या होता है, एल होती है बेटा आपकी लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेट कर ली तो बार बार थीटा अपॉन 360 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं, आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चंस करते हैं, सब समझ में आएगा। So, write down example number 1. Example 1 लिखिए बेटा. The length of an arc of a circle is 4 cm and its radius is 6 cm. Find area of the sector of the circle. Length of arc दी हुई है L. 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अभी भी समझाया था, अगर एल दिया हो तो हाफ इंटू एल इंटू आर, सो हाफ इंटू 4 × 6, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में आपके देखना कितना बड़ा, ये देख लो बुक में इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया आपका, ये थीटा पीटा लगा लूंगी के। अगर आपकी डिमांड है कि मैं ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आपकी डिमांड है सर हमें तो हार्ड तरीका चाहिए, मैं हार्ड तरीका करा सकता हूँ, लेकिन बुक वाला नहीं कराऊंगा, बुक वाला हार्ड नहीं बेवकूफ़ी है, मैं आपको उससे ईजी करा दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 15.2, जगह छोड़ दें थोड़ी। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय, सॉरी मैं ज्यादा जोर से बोल गया। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 15.2 का। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो देखिए फिगर बना देता हूँ, कोई दिक्कत आप भी बना लेना। ये अपना सेंटर O है, ये R है और ये थीटा कितना है 60 डिग्री, R अपना 7 सेंटीमीटर है। सो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 × 2πr,
60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 7। आप बोलोगे सर ये तो हम ही कर लेते हैं, आप क्यों करवा रहे हो, तो बहुत इजी फॉर्मूला रखना है। एक्चुअली इसमें आप क्या गलती करते हो बेटा, थीटा अपॉन 360 अलग परिवार से है और 2 पाई आर अलग परिवार से, ये दोनों अलग अलग परिवार के प्राणी है। तो पहले जब आप इनको सॉल्व करोगे तो पहले आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, मतलब इनको आपस में नहीं काटोगे, ये अलग कटेंगे और ये अलग कटेंगे। काट सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, कई बार है ना आप कॉम्प्लेक्स बना दोगे क्वेश्चन को। तो 7 से 7 को काट दो, 0 से 0 से को काट दो, 6 से 36 को काट दो, तो ये 1/6 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 44। अब यहां पर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 44/1 यहां पर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन परिवार का भी सारा झगड़ा सुलझ गया, इस परिवार का भी सारा झगड़ा सुलझ गया। अब इनको काट दो आपस में, तलवारें चला दो जैसे, ठीक है। 3 × 22 = 22/3 cm, ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, क्या आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई? ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बीता जा रहा है, समय देखने दो, टाइम है अभी। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू लिखिए बेटा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10.5 cm एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 degree, फाइंड एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसमें लेंथ ऑफ द आर्क आपसे नहीं पूछिए, ठीक है। तो फिगर बनाता है, फिगर बनाए कि नहीं बनाए अपन क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेडियस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कितना दिया है, 10.5। मैंने आपको पहले भी एक नियम बताया था, कभी भी पॉइंट में आपका रेडियस नहीं आना चाहिए। चैप्टर में सिर्फ एक सवाल है जिसके अंदर पॉइंट वाला अलाउ करूंगा, वो मैं बताऊंगा, वो ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन तो आप क्या करेंगे, 10.5 को पहले उसमें बदलेंगे। 10.5 किसका आधा होता है, 21 का। कैसे पता किया, पॉइंट से पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 21 आ गया। सो इट कैन बी रिटन एज 21/2 cm रेडियस आ गया अपना। थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल 45 degrees, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर कुछ भी लिख लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कभी लिखा नहीं जाता, आर को दो बार लिख दो, दैट इज आर स्क्वायर। अब भाई ये परिवार अपना अलग मामला सुलझाएगा, ये परिवार अपना अलग मामला सुलझाएगा। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब थीटा 60 डिग्री होता है तो इस परिवार का रिजल्ट आता है 1/6, समझ लो। जब ऊपर वाला एंगल 45 डिग्री होता है तो इसका आता है आंसर 1/8। करके देख लो, नहीं तो याद कर लो भाई, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस जब करके देखोगे तब भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा चैप्टर में। अब इस परिवार को सुलझाते हैं, 7 × 21 = 11, so it is 11 × 3 × 21/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी परिवार लड़ सकते हैं आपस में, कुछ भी नहीं कट रहा। 11 × 3 = 33, 33 × 21 यानी 63 × 11, (6)93/16 cm². आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन विद्यार्थियों एक बार मैं अपने उत्तर की जांच कर लूं, नहीं तो बाद में व्यथा आ सकती है। सेकंड का है 43.31 सेंट, बिल्कुल सही है।
7.3 सेंटीमीटर। दोनों उत्तर सही है बेटा, इनको पॉइंट्स पे लिखना चाहो लिख दो, बुक वालों के पास तो कैलकुलेटर होता है, आपका कैलकुलेटर नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों आंसर अलाउड है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। बच्चों आपको मैंने प्रोबेबिलिटी करवाई थी, वहां पे एक क्वेश्चन करवाया था एग्जाम्पल नंबर, मैं बताई देता हूँ हैंड टू हैंड, करेक्शन कर लेना बेटा उसमें, काफी बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उनको। एग्जाम्पल नंबर 8 करवाया था कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। नहीं 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 ये वाला नहीं था। हाँ हाँ, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सरसाइज 18.1 का, ठीक है। तो उसमें से जैक, रेड कलर का जैक होने के कितने चांसेस है? जैक बेटा चार होते हैं पत्ते में, हर गड्डी में एक होता है, चार गड्डियां होती है ना, चार पार्ट्स होते हैं, तो चार जैक होते हैं, दो रेड और दो ब्लैक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2/52, तो 1/26 आंसर आता उसका। मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी गलत लिखवा दी थी शायद, ठीक है, तो बस उसको सही कर लेना आपने, ठीक है। और जहाँ तक बात रही देखो सर्कल्स की, सर्कल्स बहुत अच्छा चैप्टर है, करते रहेंगे इसको, और लाइव सेशन में मिलते हैं, प्रॉब्लम इकट्ठी कर लो, पक्का लाइव सेशन होगा अपना, वो लाइव मतलब जो भी है गूगल मीट होता है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ, सॉरी फिर से कैरेक्टर से निकल गया ना, हाँ, तो इसी के साथ अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चल आउट, पीस आउट एंड हैव अ नाइस डे, मजा करना।